नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सिविल वर्क सुरेंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा सीढ़ी से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि बहुत कम जगह में हमने सीढ़ी बनाया है और सीढ़ी के साथ हमने लैट्रिन बाथरूम भी बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस इंटरेस्टिंग और कमाल के वीडियो को। हम लोग पीडीएफ फाइल पर आ गए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज डिटेल्स में लिखा हुआ है। एक चीज के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लॉट, जो बाहर बाहर से एरिया जो है, जितने एरिया में सीढ़ी वॉल कॉलम सारा चीज बनाया गया है, उतना एरिया जो है यहाँ आप देख सकते हैं 10 फीट × 7 फीट यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लॉट जो है वो 10 फीट × 7 फीट का जो है प्लॉट है। इसको अगर स्क्वायर फीट में कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 70 स्क्वायर फीट होगा। बिल्टअप एरिया की बात करें, जो अंदर अंदर जो एरिया है जिसमें सिर्फ सीढ़ी बनाया गया है वॉल कॉलम छोड़कर, उसका एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं 9 फीट 2 इंची × 6 फीट 7 इंची यहाँ पर लिखा हुआ है। बिल्टअप एरिया 9 फीट 2 इंची × 6 फीट 7 इंची। इसको अगर आप स्क्वायर फीट कैलकुलेट करते हैं तो 60.36 स्क्वायर फीट जो है ये बिल्टअप एरिया अंदर अंदर का खाली सीढ़ी। अगर आपके पास पहले से रूम बना हुआ है, इतना जगह है 9 फीट 2 इंची × 6 फीट 7 इंची, तो यही चीज आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं अगर रूम बना हुआ है वहां पर। और नहीं रूम बना हुआ है वहां पर अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको जो जगह रिक्वायरमेंट होगी वो आप देख सकते हैं 10 फीट × 7 फीट का जो है आपको एरिया चाहिए होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टेप्स। तो स्टेप जो है वो दोस्तों हमने 10 इंची का दिया है पावदान, जिस पर आप पैर रखेंगे 10 इंची का है, और उसका लंबाई की बात करें तो 35 इंची है दोस्तों। ये दोस्तों जो स्टेप्स है वो 14 स्टेप्स है। इसमें अगर इसका एक स्टेप का अगर कैलकुलेट कीजिएगा स्क्वायर फीट तो 2.43 स्क्वायर फीट एक जो है स्टेप्स होता है। राइजर की बात करें तो राइजर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने 8 इंची लिखा हुआ है, 15 राइजर है। इसमें जो दोस्तों जगह कम होने के कारण इसमें भी हमने बाथरूम अरेंज किया है। ये दोस्तों बहुत कम जगह में जो लोग घर बनाते हैं उनके लिए ये सीढ़ी बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनके पास जगह कम होता है तो उनके यहाँ सीढ़ी बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनके पास इतना जगह है तो वो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जगह के अनुसार जो है हमने सब चीज को ध्यान में रखते हुए नीचे एक बाथरूम दिया है, तो बाथरूम देने की वजह से और यहाँ पर एक्चुअली में जो जगह है वैसे भी कम है, तो उसके वजह से यहाँ पर जो हमने राइजर का साइज दिया है वो 8 इंची का है। 15 राइजर है दोस्तों, इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं 120 में, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हाइट जो है 120 इंची है। वॉल्स की बात करें दोस्तों तो वॉल जो हमने है साइड से यहाँ पर 5 इंची का वॉल दिया है, ताकि ज्यादा एरिया जो है कवर ना करे और पार्टीशन का पार्टीशन भी हो जाए। तो हमने वॉल जो है वो 5 इंची का दिया है। यहाँ पर वॉल आप अगर देखेंगे तो 5 वॉल आपको मिलता है, 1, 2 और 1, 3, 1 यहाँ पर 4 और 1 हमने ये पार्टीशन वॉल दिया है, ये वाला जिसको आप बोल सकते हैं ये 5। ऐसे भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 1 छोटा सा ये है 4 और 1 यहाँ पर बीच में हमने पार्टीशन दिया है, जो बाथरूम को बनाने के लिए 6 फीट 2 इंची × 5 फीट 5 इंची का है उसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने दिया है। तो वॉल जो है यहाँ पर आपको 5 मिलते हैं। कॉलम की बात करें दोस्तों तो कॉलम जो है इसमें आप देख सकते हैं ये 4 कॉलम इसमें दिए हुए हैं, 4 कॉलम दिए हुए हैं इसमें जो है। कॉलम का साइज जो है वो 10 इंची × 10 इंची का 4 कॉलम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद बाथरूम की बात करें तो बाथरूम जो दोस्तों है वो बाथरूम का जो साइज है वो 5 फीट 2 इंची × 6 फीट 2 इंची है, आपको बाथरूम मिलता है। उसके बाद टोटल हाइट की बात करें दोस्तों तो जो टोटल हाइट है वो 120 इंची है। 120 इंची में आप 15 डिवाइड कीजिएगा तो आपको 8 इंची कैलकुलेटर में आ जाएगा। सो दोस्तों ये था 2D प्लान का पूरा डिटेल्स, हमने PDF में जो है पूरा डिटेल्स को PDF में बना दिया है, और इसको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, इसको आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यह सीढ़ी का डिटेल्स कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा। चलिए अब इसके साथ में हमने 2D प्लान तो देख लिया PDF के साथ, अब देखते हैं 3D मॉडल, जो कि आपने शुरू में देखा था वो चीज देखते हैं, पूरा चारों तरफ से व्यू देखते हैं कि किस प्रकार से क्या उसका नजरिया मिलने वाला है और क्या उसके अंदर हम डिटेल्स बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने PDF में पूरा डिटेल्स देख लिया होगा और सारा चीज आपको डिटेल्स मिल गया होगा, और उस PDF को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए उसी PDF फाइल के थ्रू जो है जो भी डिटेल्स मैं उसमें बताया हूँ ये 3D मॉडल में, मैं उसका साइज जो है यहाँ पर मेंशन करके आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या यह परफेक्ट है या नहीं है, ताकि आप कभी भी सीढ़ी बनाए तो फंस ना सके। इसके वजह से जो है पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो राइजर हमने वहां पर बताया था 8 इंची, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजर जो है वो 8 इंची का परफेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बाथरूम हमने बताया था वहां पर
5 फीट 5 इंची गुने 6 फीट 2 इंची का, तो यहाँ पर आपको 5 फीट 5 इंची 6 फीट 2 इंची का जो है यहाँ पर आपको बाथरूम मिलता है। जो टोटल इसका हाइट था दोस्तों, वहां पर मैंने आपको 10 फीट बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 फीट टोटल हाइट है, यानी 120 इंची। स्टेप्स की बात करें दोस्तों, तो स्टेप्स जो हमने 10 इंची बताया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्टेप्स है वो 10 इंची का परफेक्ट है, देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद दोस्तों आपको लगता होगा कि इस स्टेयर्स के नीचे बाथरूम बनाया गया है, तो हो सकता है यहाँ पर ये जो है ये डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसका भी मैं हाइट जो है आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुरुआती हाइट है वो 4 फीट 1 इंची है, लेकिन उसके बाद जब आप 1.5 फीट आगे जब जाइएगा यहाँ से आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 6 फीट 2 इंची मिलता है हाइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 फीट 2 इंची बहुत ज्यादा हाइट होता है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर बात लेटरिन का पोर्शन बना सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है नहाने का पोर्शन बना सकते हैं, इस वाल में आप जो है यहाँ पर झरना वगैरह लगा सकते हैं। ये दोस्तों बहुत परफेक्ट बाथरूम का साइज है, इसमें आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है चारों तरफ से अभी ओपन है, हमने इसको पैक नहीं किया है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको है मिल रहा है देखने के लिए। ये दोस्तों आपको दिखाने के लिए सिर्फ बनाया गया है, ये पैक नहीं किया गया है, और पैक जो करके हमने पूरा वाल जो खड़ा कर दिया है जो पूरी तरह से कंप्लीट है उसको हम दिखाते हैं आपको, तो ये देख लीजिए ये जो है ये पूरी तरह से ये कंप्लीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो आपको यहाँ से जो है ऊपर चढ़िएगा, यहाँ तक आइएगा, और यहाँ से इसके बाद इधर आपको घूम जाना होगा, यहाँ से फिर यहाँ आइएगा, और यहाँ से फिर इधर आप जो है घूमिएगा, तो यहाँ पर आप जो है ये छत पर चले आइएगा, यहाँ पर जो आपका है ये लेंटर है, आप छत पर चले जाइएगा। इसके नीचे दोस्तों आपको बाथरूम मिल जाता है, इतना बड़ा एरिया है ये बाथरूम का, जैसा कि मैंने 5 फीट 5 इंची बाई 6 फीट 2 इंची का बताया आपको। यहाँ पर आपको मैं अंदर घुसा के दिखा दूं, जैसा कि आपको उसमें भी दिखाया मैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वेंटिलेशन भी दे दिया है, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार से इसमें गैस का जो है भरे नहीं, वो जो है बाहर निकलता रहे। ये देख सकते हैं कुछ जो है अंदर का एरिया है। सो दोस्तों आज का जो वीडियो था यही था, आपको यह कैसा लगा, कम जगह में सीढ़ी के साथ हमने बाथरूम बनाया जो कि 10 फीट गुने 7 फीट ये टोटल एरिया है। अगर बिल्टअप एरिया की बात करें तो 9 फीट 2 इंची गुने 6 फीट 7 इंची में इसको बनाया गया है। तो दोस्तों यह कैसा लगा आपको डिजाइन, कैसा लगा इसका डिटेल्स, सो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।